हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान सा बुनाई डिज़ाइन, जिसके लिए आपको ऑड नंबर फंदे कास्टन करने होंगे, जैसे 5, 7, 9 इस तरीके से। तो यहाँ मेरे पास है टोटल 11 फंदे और रो 1 राइट साइड से बुनेंगे। इस रो में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रो में, रॉन्ग साइड रो 2, और इस रो में भी हम सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और रो 2 बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 रो यानी रो 3 और 4 में भी सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए रो 2 के जैसे ही बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और रो 3 एंड 4 बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 5 में आ गए हैं, और इस रो में पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे और अब हम यहाँ से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और इस 2 फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब देखिए इस रो में पहले 2 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 2 फंदा है उसे ही हम रो 5 के एंड तक रिपीट करेंगे। तो अगेन हम उन्हें आगे लाएंगे और नेक्स्ट 2 फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। उन फिर से आगे की तरफ, 2 फंदे को पीछे की तरफ से एक साथ बुनेंगे सीधे, उन आगे की तरफ, और इस 2 फंदे को भी पीछे की तरफ से एक साथ बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है, तो इसे हम सीधे ही बना लेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए नेक्स्ट रो में, रॉन्ग साइड रो 6, और इस रो में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे। और ये सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद अब आ जाइए नेक्स्ट रो में, राइट साइड रो 7, और इस रो में पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक, 2 और 3। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे और नेक्स्ट 2 फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब देखिए इस रो में पहले 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 2 फंदा है उसे हम रो 7 के एंड तक रिपीट करेंगे, लास्ट के 2 फंदे बचने तक। तो उन हम आगे लेके आएंगे और इस 2 फंदे को एक साथ सीधा बुनते हुए घटाएंगे। उन फिर से आगे की तरफ, और इस 2 फंदे को भी पीछे की तरफ से एक साथ बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे ही बचे हैं, तो इस दोनों फंदे को हम सीधे बना लेंगे। इसके बाद आ जाइए रॉन्ग साइड रो 8 में, और इस साइड से भी हम सभी फंदे को उल्टे ही बुनेंगे। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो में, और इसके बाद आपको रो 9, 10, 11 और 12 में दोनों तरफ से सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए रो 2 के जैसे ही बुन करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और रो 12 तक बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 13 में आ गए हैं, और इस रो में हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे। और हाँ, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली कोई वीडियोज़ मिस ना करें। अब इसके बाद आ जाइए रॉन्ग साइड रो 14 में,
और इस साइड से अब हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट रो 15 को आपको सेम रो 13 के जैसे बनाना है, और रॉन्ग साइड रो 16 को आपको रो 14 के जैसे बनाते हुए, यानी सीधे साइड सीधे और उल्टे साइड उल्टे बनाते हुए रो 15 और 16 दोनों को बुन करके आपको कंप्लीट कर लेना है। और रो 16 तक बुन लेने के बाद अब इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो 1 to 16 को ही रिपीट करना होगा। और जैसे जैसे आप इसे रिपीट करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरह से आगे के बनते जाएगा। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है, और भले ही 16 लाइन की डिज़ाइन है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है, और एक बार जब आप इसे बना लेते हैं तो आपको बहुत ही इजीली ये याद भी हो जाता है। तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट, कार्डिगन, शॉल, स्कार्फ या और भी कई तरह के प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।